नोएडा शहर में NSUI एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से 24 जुलाई को शाम 7 बजे मणिपुर हिंसा एवं वहां महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार से दोषियों पर कार्रवाई करने एवं मणिपुर में शांति बहाल करने की मांग की गई। इस अवसर पर मणिपुर हिंसा में अब तक मारे गए नागरिकों को कैंडल जलाकर 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी गई। आज गोंदिया शहरामध्ये NSUI संघटनेच्या माध्यमाने आणि जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटनेच्या वतीने मणिपूरच्या घटनेचा निषेध करण्याकरता या ठिकाणी कॅन्डल जाळून त्या घटनेचा निषेध करण्यात आला। मी आपल्या माध्यमाने सगळ्यांना सांगू इच्छितो की अतिशय मानवतेला शर्मनाक अशी ही घटना आहे की जी घटना झाल्यावर त्या घटनेचे पीडित जे आहेत त्या महिलेचे एक पती जे देशाचे कारगिल युद्धामध्ये युद्ध जिंकवून देऊन देशाची रक्षा करण्यामध्ये सफल झाले, परंतु त्यांचे उद्गार होते की मी माझ्या देशाला वाचवू शकलो पण माझ्या पत्नीच्या चारित्र्याला ज्यांनी हात लावला त्यांना त्यांच्यापासून आपल्या पत्नीच्या चारित्र्याला वाचवू शकलो नाही। अतिशय म्हणजे मनाला हादरवून सोडणारी ही घटना आहे। या घटनेमध्ये जवळपास 300 लोकांचे प्राण गेले, परंतु त्या ठिकाणचं सरकार तिथले मुख्यमंत्री सांगतात की अशा घटना त्या याच्या पहिले कितीतरी झालेल्या आहेत आणि 4 मेला घडलेले घटनेवर देशाचे प्रधानमंत्री 80 दिवसपर्यंत एक शब्द बोलायला तयार नाहीत। या देशाचे न्यायपालिकेचे प्रमुख जेव्हा त्यांना विचारतात की सरकार काही करेल का की आम्हाला करावं लागेल, तेव्हा उठून प्रधानमंत्री दोन वाक्य बोलतात। या देशाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्या लोकांकडे आहे, जे मुख्यमंत्री आहेत, जे प्रधानमंत्री आहेत, आज मानवतेला शर्मसार घटना करणारी घटना झालेली आहे। आज मानवता जिवंत राहील की नाही राहील, मानवतेला वाचवणारे लोक समोर आले पाहिजेत आणि अशामुळे आज प्रधानमंत्री आणि त्या ठिकाणचे मुख्यमंत्र्यांचा जेवढा निषेध करावा तेवढा कमी आहे आणि तो निषेध नोंदवण्याकरताच आम्ही या ठिकाणी कॅन्डल जाऊन निषेध व्यक्त केलेला आहे। मैं मानती हूँ कि हमारे देश में सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे सिर्फ लोग लगा सकते हैं, पर उसका मतलब कोई ना समझ सकता है ना ही उसे असली में इम्प्लीमेंट कर सकता है। हम 17 साल की लड़कियाँ, हमें मणिपुर में क्या हो रहा है ये सब पता है, हमें ये पता है कि वहाँ जो हो रहा है सब गलत है, पर यहाँ पर कितने लोग हैं जो हमसे कितने बड़े, जो हमसे 2 गुना 3 गुना उम्र में बड़े, उन्हें इस इशू के बारे में क्या नहीं पता? क्या वो लोग अखबार नहीं पढ़ते? क्या वो लोग समाचार नहीं पढ़ते? भारतीय घरों में अक्सर 90% घरों में अखबार आते हैं, रोज़ सबके घरों में न्यूज़ चैनल चलते हैं। क्या हमें इस इशू के बारे में नहीं पता है, या फिर हम इतने बुरे हो चुके हैं कि सब पता होने के बावजूद भी हम कुछ करना नहीं चाहते? मैं कहती हूँ सिर्फ इंटरनेट बैन कराने से लोगों को जस्टिस नहीं मिलता, सिर्फ इंटरनेट बैन कराने से एक राज्य नहीं बच सकता। आज हमारा राज्य मणिपुर जल रहा है जो कि हमारे भारत का ही एक अहम हिस्सा है, हम ये सब होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे। 3 महीने बाद आज जाकर हमें कैंडल मार्च करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या आप सब समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर सिचुएशन वहाँ पर हो रही है? उसके बाद भी अगर हम कुछ नहीं करते तो शायद हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए। वहाँ पे लोग कहते हैं कि हम धर्म के नाम से लड़ रहे हैं, कि हम यहाँ के नेटिव लोग हैं, हम यहाँ पर पहले से रह रहे, तो हमें जो अधिकार मिल रहे हैं वो दूसरी कम्युनिटीज़ को नहीं मिलनी चाहिए? मुझे एक बात बताइए, कौन सी कम्युनिटी, कौन सा धर्म ऐसा कहता है कि अगर आपके जितने अधिकार किसी और कम्युनिटी को मिले तो आप उन लोगों को मार दीजिए, काट दीजिए, उनके साथ बलात्कार कीजिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने से कुछ नहीं होता, मेरा देश महान कह के कुछ नहीं होता। हमारा देश असली में तब महान होगा जब हम खुद अपने देश का सपोर्ट करना सीखे। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, आज मणिपुर में सब हो रहा है, कल को अगर किसी और राज्य में हुआ कहना नहीं चाहिए। जैसे कि मेरी मित्र ने भी कहा कि अगर कल को महाराष्ट्र में ऐसा हुआ तो क्या हम सब यहाँ पर खड़े होकर अपनी आवाज़ भी उठा पाएंगे? क्या तब हमें कोई सपोर्ट करेगा? तब क्या कोई हमारे लिए आवाज़ उठाएगा? तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, हम सब काफ़ी समझदार है, काफ़ी पढ़े लिखे, तो इतनी समझदारी का थोड़ा सा उपयोग करें, और अगर हम 1% भी कुछ कर सकते तो मणिपुर के लोगों के लिए अवश्य करें।
तो जैसे कि आप सबको पता है कि मणिपुर में बहुत सारे किस्से हो रहे हैं अभी, और वहाँ पे नेकेड वुमेन्स को घुमाया जा रहा है, और बहुत सारे बच्चों पे बलात्कार हो रहा है, बहुत सारी लड़कियों पे बलात्कार हो रहा है, और बच्चों पे बहुत सारी ब्रूटिलिटी हो रही है। तो ये हमारे देश के लिए और हमारे हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, और हम लोगों को अपना प्रेजेंस दिखाना चाहिए, और हम लोगों को मणिपुर के लोगों के लिए अपना कंसर्न दिखाना चाहिए, और उनके लिए हमको अपनी आवाज़ खड़ी करनी चाहिए। आज ही मणिपुर में हो रहा है, कल ये जाके किसी और प्रदेश में होगा, और अगर भगवान ना करे कल जाके हमारे ही प्रदेश में, महाराष्ट्र में हो, तो आप क्या करेंगे? तो हमारे भी टाइम पे कोई खड़ा नहीं होगा अगर हम अभी मणिपुर के लिए खड़े ना हो। इसलिए हमें मणिपुर के लिए हायर अथॉरिटीज़ को कहना चाहिए कि कुछ करे, एक्शन प्लान करे, और भले ही हम वहाँ पे जाके कुछ उनके लिए नहीं कर सकते, पर हम अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।